हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विथ क्लियरेंस वॉल्व। ओके, सो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी? वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय वी ए एंड स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू वी एस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यह वी एन वी एस है क्या। फ्रेंड्स, सी हियर इन दिस ग्राफ ड्रॉन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, दिस डायग्राम इज फॉर रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। सो दिस इज द क्लियरेंस हियर, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस मच इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाई वी सी एंड ये क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाई वी एस। ओके, सक्शन इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड 1 to 2 इज कंप्रेशन, 2 to 3 इज डिस्चार्ज एंड अगेन 3 to 4 इज एक्सपेंशन। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हियर यू सी दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम और वी कैन से स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, इन आइडियल कंडीशन में जो भी वॉल्यूम आना चाहिए वह इतना होना चाहिए, बट क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यू टू क्लियरेंस वॉल्यूम कुछ गैसेस, कुछ एयर जो है इसमें कंप्रेस हो जाती हैं, और जब सक्शन होता है तो जो गैसेस क्लियरेंस वॉल्यूम में जो होती है वह एक्सपेंड करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो सक्शन होता है हमारा यहां से ना होकर के केवल इतना ही होता है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम, दिस वी वन, अगर हम मान लें वी वन माइनस वी फोर इज द एक्चुअल वॉल्यूम एंड थ्रेटिकल क्या हो जाएगा, दिस इज द थ्रेटिकल वॉल्यूम। मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम इज द थ्रेटिकल वॉल्यूम, बट इन एक्चुअल केस दिस मच वॉल्यूम ओनली कमिंग इन द सिलेंडर। ओके, सो वॉट इज द efficiency? efficiency क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, efficiency इज द एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, वी ए है, एक्चुअल वॉल्यूम वी ए है, बट स्ट्रोक वॉल्यूम इज अ थ्योरेटिकल, सो एक्चुअल वॉल्यूम अपन स्ट्रोक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम, सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वी एस, अगर दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल मिल जाएगा। सो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, यहाँ पे यह वी थ्री वॉल्यूम है, दिस इज द वी थ्री वॉल्यूम। हमें क्या करना है, दिस स्ट्रोक वॉल्यूम में से अगर हम ये वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाएगा, वी वन माइनस वी फोर इज द एक्चुअल वॉल्यूम। सो एक्चुअल वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस स्वेप्ट वॉल्यूम माइनस क्या हो जाएगा, वी फोर माइनस वी थ्री। ओके, हमने क्या किया, इस टोटल लेंथ में से यहां से इसको माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। गेटिंग फ्रेंड्स, गेटिंग? नाउ हियर यू सी दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस वी फोर माइनस वी थ्री। ओके, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर वी थ्री इजक्वल टू क्या है, वी सी इजक्वल टू वी थ्री है। नाउ फ्रेंड्स, हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर दिए तो क्या मिलेगा हमें, इफिशियंसी इजक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, वी एस माइनस वी फोर माइनस वी थ्री डिवाइड बाई दिस वी एस। ओके, सो सेम थिंग हियर, दिस इज द एंड इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज इक्वल टू वी एस माइनस इन ब्रेकेट वी फोर माइनस वी थ्री डिवाइड बाई वी एस। अब फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो वी एस अपन वी एस एक हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस वी फोर माइनस वी थ्री डिवाइड बाई वी एस। ओके, गेटिंग फ्रेंड्स, हमने इसको सेपरेट कर दिया लाइक दिस, वी एस बाई वी एस माइनस वी फोर माइनस वी थ्री डिवाइड बाई वी एस। ओके,
वी एस, वी एस कैंसिल होकर क्या मिल गया हमें, वन मिल गया। ओके वन माइनस ये वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम वी थ्री को कॉमन कर लेंगे। जब हम वी थ्री को कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या जाएगा, वी थ्री बाई वी एस हो गया, वी एस ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे वी फोर माइनस वी थ्री, सॉरी वी फोर डिवाइड बाई वी थ्री माइनस वन, क्योंकि यहाँ से हमने वी थ्री को कॉमन करके बाहर ले लिया है। वी नो डेट फ्रेंड्स वी थ्री इज इक्वल टू क्या है, वी थ्री इज इक्वल टू वी सी है, सो वन माइनस वी सी डिवाइड बाई वी एस इज इक्वल टू वी फोर अपॉन वी थ्री माइनस वन। ओके एंड वन मोर थिंग इज देयर, दिस सी, वॉट इज सी, सी इज द क्लियरेंस रेशियो, सी इज द क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, दिस सी इज द क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, वी सी अपॉन वी एस मीन्स वॉल्यूमेट क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई सेफ्ट वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई सेफ्ट वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस रेशियो। ओके हियर दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई सेफ्ट वॉल्यूम इज नोन एज सी इज इक्वल टू वी सी बाई वी एस। ओके दिस इज द क्लियरेंस रेशियो ड्यूटी बाई सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी सी बाई वी एस इजक्वल टू वैल्यू हो जाएगा सी इन ब्रैकेट वी फोर बाई वी थ्री माइनस वन। ओके नाउ फ्रेंड्स यू सी हियर इन दिस प्रोसेस यू सी दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वी नो डैट फ्रेंड्स द प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी टू दावर एन इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या होता है पी थ्री वी थ्री टू दी पावर एन इजक्वल टू पी फोर वी फोर टू दी पावर एन, एक रिलेशन आता है वी नो डैट पी वी टू दावर एन इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो पी थ्री वी थ्री टू दी पावर एन इजक्वल टू पी फोर वी फोर टू दी पावर एन, यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो वी फोर बाई वी थ्री इजक्वल टू कितना हो जाएगा, वी फोर बाई वी थ्री इजक्वल टू क्या हो जाएगा पी थ्री डिवाइड बाई पी फोर, इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, सो पी थ्री बाई पी फोर टू द पावर जो एन आएगा, जब हम इसको एन को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा लाइक दिस हियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए तो यह क्या हो जाएगा वी फोर बाई वी थ्री डिवाइड बाई एन इजक्वल टू पी थ्री बाई पी फोर, जब हम एन को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वी फोर बाई वी थ्री इक्वल टू पी थ्री बाई पी फोर टू द पावर वन बाई एन। ओके सेम थिंग रिटन हियर एंड ऑल्सो वी नो डैट पी थ्री इजक्वल टू वॉट, पी थ्री इजक्वल टू पी टू, पी थ्री इजक्वल टू पी थ्री इजक्वल टू पी थ्री इजक्वल टू पी टू एंड पी फोर इजक्वल टू पी वन, सो पी थ्री इजक्वल टू पी टू एंड पी फोर इजक्वल टू पी वन गेट टू द पावर वन बाई एन, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे फ्रेंड्स दिस, इस केस में यहाँ पर हम जो है यह वैल्यू पुट कर देंगे, इफिशियंसी इजक्वल टू क्या है, इफिशियंसी इजक्वल टू वन माइनस सी वी फोर बाई वी थ्री माइनस वन, सो वी फोर बाई वी थ्री की जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा वी थ्री हो जाएगा वी थ्री, इसके बाद क्या करेंगे हम वी फोर बाई वी थ्री की वैल्यू जो है पुट कर देंगे यहाँ पर, इफिशियंसी इजक्वल टू वन माइनस सी पी टू बाई पी वन टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन, सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। गेटिंग फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू।